प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो सेना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के सत्ताधारी दल के प्रधान प्रचारक भी हैं और हमारे देश के आजादी के बाद के इतिहास में विवादित और बहुचर्चित प्रधानमंत्री हैं, जिनको बातें बनाना ज्यादा पसंद है, काम करना कम, प्रचार में इनका कोई जोड़ नहीं है, ना हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं, ना उनके कार्यशैली से, उनकी सोच से, ना भारतीय जनता पार्टी के साधनों से। क्योंकि पहले 4,000 करोड़ रुपया देश की जनता का खर्च हुआ 6 सप्ताह के अंदर, 15 जनवरी से लेकर चुनाव की घोषणा तक, केवल प्रचार में। जाहिर है कि अखबारों को अच्छा लगा, 5-6 पन्ने पूरे मिलते थे, टीवी चैनल्स को भी मिला। मंच पर विराजमान असम सरकार के मंत्री हेमंता जी, लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और इतनी भारी संख्या में आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आसाम तो हो क्या गया है भाई? ये मैदान आपका छोटा पड़ गया और उधर मैं देख रहा हूं हाईवे पूरा भरा पड़ा है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मां कामाख्या की कृपा नजर आ रही है। गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, वीर लाचित बोरफुकन जी और भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की भूमिका मैं आज आदर पूर्वक वंदन करता हूं। असम में आज का ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले मोरंग में एक बहुत बड़ी रैली में हिस्सा लेकर यहां पहुंचा और यहां देख रहा हूं कि वैसा ही स्नेह देने आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। आपके आशीर्वाद के लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका यही प्यार, यही विश्वास इस चौकीदार को दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करता है। भाइयों और बहनों, जो प्यार और विश्वास बीते 5 वर्षों में आपने मुझे दिया है, मेरे जीवन में इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपकी, असम वासियों की, देशवासियों की सेवा करने की भरसक कोशिश की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये दावा नहीं करता कि 5 साल में सारे काम मैंने पूरे कर लिए हैं। अगर 70 साल तक रहने वाले नहीं कर सकते दावा, तो 5 साल वाला तो कैसे कर सकता है। लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, बहुत कुछ करने के बाद भी देश को और आगे ले जाने के लिए
बहुत कुछ करना जरूरी है और इसलिए जो भी कसर रह गई हो, कहीं गति धीमी रह गई हो, कहीं प्राथमिकता आगे पीछे हुई हो, उसको पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार आपका आदेश लेने के लिए आपके सामने आया हूं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए फिर एक बार आपके पास आया हूं। साथियों, 11 अप्रैल को जब असम के आप सभी साथी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको एक और बात याद रखनी है। रखोगे ना? याद रखोगे ना कि भूल जाओगे? असम को, हिंदुस्तान को आतंकियों से मुक्त कराने का काम, घुसपैठियों से आतंकियों से मुक्त कराने का काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एक तरफ दमदार चौकीदार और दूसरी तरफ महामिलावट वाले परिवार।